दोस्तों, कुछ समय पहले आई एक फिल्म पुष्पा का एक डायलॉग काफी मशहूर हुआ था। मैं झुकेगा नहीं। खैर, ये तो था एक फिल्मी डायलॉग जो उस कैरेक्टर पर फिल्माया गया जो कभी हालातों के आगे टूटा नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक क्रिकेटर ऐसा भी था जो वास्तव में कभी भी अपने साथ होने वाले अनगिनत भेदभावों के बावजूद कभी हार नहीं माना और ईंट का जवाब पत्थर से देकर कई बार पलटवार करता। कैसे, चलिए हम बताते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे रन बनाने, विकेट लेने के बावजूद बिना किसी कारण के टीम से बाहर कर दिया जाता, वो भी बिना कोई इंटीमेशन के। और ये कहानी उस खिलाड़ी के पूरे करियर की रही, लेकिन उसने कभी हार न मानते हुए, कभी दिल न छोटा करते हुए ऐसे ही अनगिनत कमबैक किए। कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाकर तो कभी लंबी पारियां खेलकर चयनकर्ताओं को खुद को टीम में शामिल करने के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही वे बड़े मंचों के खिलाड़ी भी रहे। 1983 विश्व कप में विजेता रही भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और सेमीफाइनल फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। हम बात कर रहे हैं सही मायनों में क्रिकेट के पुष्पा और 1983 विश्व कप जीत के हीरो रहे महेंद्र अमरनाथ के बारे में। आज इनके जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू करवाएंगे। महेंद्र अमरनाथ भारद्वाज का जन्म 24 सितंबर 1950 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ। उन्हें प्यार से जिमी कहा जाता है। उनके पिता एक महान खिलाड़ी और आजाद हिंदुस्तान के पहले कप्तान लाला अमरनाथ जी थे। उनके बड़े भाई सुरेंद्र अमरनाथ भी एक पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं और छोटे भाई राजेंद्र अमरनाथ पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रह चुके हैं। अब जब परिवार में पिता ही इतने बड़े क्रिकेटर हों तो बच्चे कहाँ पीछे रहने वाले थे। क्रिकेट तो जिमी के खून में था ही और उन्हें विरासत में भी मिला। यही कारण था कि उन्हें छोटी सी उम्र से ही क्रिकेट में काफी रुचि आने लगी और अपने इसी धरोहर को आगे बढ़ाते हुए जिमी ने बतौर तेज गेंदबाज खेलना शुरू किया, जो बल्ले से भी उपयोगी पारियां खेलने में माहिर था। घरेलू क्रिकेट में पंजाब से खेलने वाले जिमी ने 1969 में 19 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में पदार्पण किया, मगर अपने पहले मैच में वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और 16 और 0 रन बनाकर आउट हो गए। यही कारण था कि उन्हें लंबे समय तक टीम से ड्रॉप कर दिया गया। यहीं से शुरू हुआ था अनेकों ड्रॉप और कमबैक का सिलसिला, जिसकी मिसाल के तौर पर मुकद्दर ने जिमी को चुना था। 6 साल तक उन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में मौका नहीं मिला, लेकिन घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर न केवल उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में सुधार किया बल्कि ढेरों रन बनाकर टीम में वापसी के लिए अपनी दावेदारी पेश भी की। और 6 साल की इस कड़ी मेहनत का इनाम आखिरकार उन्हें 1975 विश्व कप में मिला, जहां भारत ने अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला। वहीं जिमी ने भी अपने ओडीआई करियर में पदार्पण किया, पर इस मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी ही नहीं आई। भारत का टूर्नामेंट में सफर काफी खराब रहा और वे ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए। 1976 में उन्हें टेस्ट टीम में पुनः स्थान मिला और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में उन्होंने अपना पहला कमबैक करते हुए 7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 64 रन बनाए। इस वक्त तक वे एक मध्य गति के गेंदबाज के तौर पर टीम में खेला करते, जो दबाव की स्थिति में काफी शांत रहते। भारत के वेस्टइंडीज दौरे पर उन्हें नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जिसे उन्होंने दोनों हाथों से कबूल किया। भारत के ऐतिहासिक रन चेस में उन्होंने दूसरी पारी में शानदार 85 रन का अहम योगदान दिया। इसी श्रृंखला में एक मुकाबले के दौरान भारत की दूसरी पारी केवल 97 रनों पर सिमट गई थी, जिसमें 5 बल्लेबाज एब्सेंट हर्ट थे, मगर वहां खतरनाक पिच पर 7 चौकों 3 छक्कों के दम पर 60 रन ठोकने वाले जिमी ने कमाल की दृढ़ता दिखाई थी। अगले ही साल एक्सप्रेस गेंदबाज दुनिया की सबसे तेज और बाउंसी पिच पर्थ पर जेब थॉमसन और अन्य खिलाड़ियों से भरी खूंखार ऑस्ट्रेलिया टीम का सामना करते हुए उन्होंने लाजवाब शतक जड़ा और ये शतक उस वक्त आया था जब उनके जबड़े में थॉमसन की गेंद से दर्दनाक चोट लगी थी, जब वे लंच में केवल आइसक्रीम खा सकते थे और इस दौरे में उन्होंने केवल 450 के करीब रन बनाए। अब क्योंकि उस वक्त बाउंसर्स पर कोई रोक नहीं थी तो क्रीज पर आते जिमी का स्वागत तीखी बाउंसरों से होता, मगर बिना हेलमेट के वे हुक मारने से कभी हिचकिचाते नहीं और खूब चौके छक्के चढ़ते, लेकिन इसी चक्कर में कई बार उन्हें सर में दर्दनाक चोटें लगती। 1978 के पाकिस्तान दौरे पर लाजवाब 584 रन बनाकर वे टॉप स्कोरर रहे, पर विश्व के घातक गेंदबाजी अटैक के खिलाफ लगातार रन बनाने के बावजूद उन्हें अगले दौरे पर टीम से बाहर कर दिया जाता। 1979 में फिर उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें दोबारा 1981 में मौका मिला। रणजी ट्रॉफी और ईरानी कप में उन्होंने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसके चलते उन लापरवाह सिलेक्टर्स और लापरवाह टीम मैनेजमेंट के लिए भी एक फॉर्म को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया और वे दरवाजा तोड़कर टीम में आ गए। अगले 18 महीनों तक उन्होंने अपनी पीक पर चल रहे दुनिया भर के तेज गेंदबाजों के खिलाफ जमकर रन बनाए। 31 के हो चुके अमरनाथ ने घंटों नेट्स पर पसीना बहाने के साथ अपनी फिटनेस पर भी खूब काम किया, काफी वजन घटाया मगर रनों की भूख बढ़ाई। अब उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में टीम में जगह मिली, जहां ताबड़तोड़ खेल दिखाते हुए सीरीज में सर्वाधिक 598 रन बनाए। इसके दौरान उन्हें मलकम मार्शल की एक गेंद दांत में लग गई थी,
जिसके बाद सर में चोट लगने के बाद उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा। टांके लगाकर लौटे जिमी दुनिया के सबसे निर्दयी और तेज गेंदबाज होल्डिंग को खेल रहे थे, जिसने उन्हें तीखी बाउंसरें मारी, मगर डक न करते उन्होंने उन गेंदों को दिलेरी से बाउंड्री के पार पहुंचाया, जो कि उनके बेखौफ अंदाज को बयां करती है। 1982-83 की पाकिस्तान सीरीज में जहां भारतीय टीम को शर्मनाक 3-0 से शिकस्त मिली और साथ ही टैलेंटेड बल्लेबाज गुंडप्पा विश्वनाथ का करियर भी खत्म हो गया, वहीं पी इमरान खान और अन्य तेज गेंदबाज का सामना करते हुए 582 रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज बने महेंद्र अमरनाथ। इस दौरान खेले 11 टेस्ट मैचों में जिमी ने 1000 से अधिक रन ठोक डाले। इमरान खान ने भी अपने किताब में यह बयान दिया कि उस समय जिमी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे। थराया वाइकॉनिक विश्व कप 1983 जहाँ दुनिया ने भारत को एक अंडरडॉग से चैंपियन बनते देखा। उस टूर्नामेंट जीत में वो कप्तान जिमी का महत्वपूर्ण योगदान था। वो अकेले ही दो खिलाड़ियों के बराबर खेल दिखाते, जहाँ बल्लेबाजी में वे बड़े विश्वसनीय अंदाज और शांत स्वभाव से नंबर 3 पर खेलते, वहीं गेंद से सटीक लाइन लेंथ और स्विंग से कमाल का नियंत्रण दिखाते। उनकी किफायती गेंदबाजी सामने प्रेशर बनाती और बल्लेबाज अपनी विकेट खो देता, जिसका उपयुक्त उदाहरण उन्होंने विश्व कप के बड़े मुकाबलों में पेश किया और फाइनल में जब मात्र 183 रनों पर ढेर होने के बाद भारत की जीत की उम्मीद ना के समान थी, तो उन्होंने पहले बल्लेबाजी में धैर्यपूर्ण 26 और फिर गेंदबाजी में 7 ओवरों में केवल 12 रन देकर 3 विकेट चटकाकर वेस्टइंडीज को केवल 140 रन पर ढेर कर भारत को विश्व कप जितवाया। ये दोनों मुकाबलों में मैन ऑफ द मैच रहे और ऐतिहासिक तस्वीर में कप उठाए कपिल देव के साथ खड़े जिमी भारत को एक अविस्मरणीय लम्हा दे गए। लेकिन इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में उनकी बल्लेबाजी काफी खराब रही, जहां 6 पारियों में मात्र 1 रन बना पाए और विश्व कप के चंद महीनों बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन फिर इस दिग्गज ने घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त खेल दिखाकर दोबारा टीम में जगह बनाई और 1986 में उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड बना, जब वे भारतीय इतिहास में हैंडलिंग द बॉल करते हुए आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने। इसके अलावा वे ऑब्स्ट्रक्टिंग फील्ड भी आउट हुए हैं। वे इन दोनों तरीकों से आउट होने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी हैं। अपने पूरे करियर में मानो जिमी का ये उसूल था कि जब भी बाउंसर आएगी वो उसे हुक मारेंगे, चाहे उनके माथे पर चोट लगी, दांत टूटा या फिर इमरान खान की बाउंसर ने बेहोश किया, मगर उनकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडल्स में उन्हें विश्व का एक महान बल्लेबाज बताया। साथ ही इमरान खान ने भी अपनी किताब ऑलराउंड व्यू में उन्हें 1982-83 के दौरान विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया। जिमी ने अपने करियर में तेज सपाट पिच पर तेज तर्रार पेसर्स को खेल कई बार आने वाले बल्लेबाजों को एक मास्टर क्लास दिखाई। लेट 80s और 90s के दशक में उन्होंने टीवी शो भी चलाया, जिसका नाम था क्रिकेट विद महेंद्र अमरनाथ, जिस पर 15 वर्षे सचिन तेंदुलकर का भी इंटरव्यू लिया गया था, जो उस वक्त घरेलू क्रिकेट में कोहराम मचा रहे थे और अगले ही साल भारतीय टीम में शामिल भी हुए। ये शो उस समय काफी लोकप्रिय हुआ था। 1989 में वेस्टइंडीज के खिलाफ जिमी ने अपने 20 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय करियर का आखिरी मैच खेल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अपने सुनहरे करियर में अमरनाथ ने 69 टेस्ट और 85 एकदिवसीय मुकाबलों में क्रमशः 4378 और 1924 रन और 32 तथा 46 विकेट लिए। उस जमाने में खोखार गेंदबाजों का सामना करते हुए 11 टेस्ट शतक अपने आप में ही एक उपलब्धि है। अपने क्रिकेट किट में सबसे पहले वे एक लाल रुमाल रखा करते थे, जो उनका लकी चार्म था। कई बार बल्लेबाजी के दौरान उनके ट्राउजर में और रुमाल पाया गया। महेंद्र अमरनाथ ने कुछ फिल्मों में भी काम किया, जहां डिशुम में वे क्रिकेट कोच की भूमिका में नजर आए। इसके अलावा 83 मूवी में जहां उनका किरदार साकिब सलीम ने निभाया, वहीं उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता लाला अमरनाथ का किरदार निभाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारतीय टीम के कमबैक किंग महेंद्र अमरनाथ की, जिन्होंने तेज गेंदबाजी को काफी दिलेरी से खेला। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।